तो अगर आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है और अगर आपकी बहू की तलाश खत्म हो चुकी, वी ऑल लव आरजे राहुल। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर और हर एक उस चेंज को हमें वेलकम करना चाहिए। शिल्पा सलन उधमपुर दी कुड़ी। ये आपका चौथा इवेंट है इस तरह का। रेखा शर्मा। एनएसडी कितने पैसे दिए बोलने के लिए? हमारी जम्मू में 3 ब्रांचेस है, गांधीनगर, बड़ी ब्राह्मण, उधमपुर। पैसा कमाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है ऑलवेज। देखिए अगर आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है और अगर हंस क्यों रहे हो यार, सच बोल रहा हूँ, तो अगर आपके बेटे की शादी नहीं हो रही है और अगर आपकी बहू की तलाश खत्म हो चुकी है, तो ये देखिए बहुएं, कितनी सारी बहुएं हैं। किसकी बहुएं आप? NIST की बहुएं हैं, लेकिन बहुएं आपकी नहीं हो सकती हैं। लेकिन आपको बता दूं कि NIST जो है इस तरह के नेक काम कर रहा है कि सारी आप यहां पर बहुएं देख रहे हो ना, ये सारी अपने पैरों पे खड़ी हैं। देखो खड़े हो सारे पैरों पे, कैसे पैरों पे खड़े हो बताइए। NIST की बदौलत। ये मैडम सही है, ये मैडम सही। क्या नाम है आपका? रेखा शर्मा। NIST ने कितने पैसे दिए बोलने के लिए? बिल्कुल एक पैसा नहीं, हमने उनसे जो सीखा उसके बारे में बोल रहे हैं। आपने कितने पैसे दिए उनको? हमने भी जो उनका मतलब उन्होंने जो फीस रखी उनका हक बनता है वो उतना दिया। जो हक बनता है वो सबको मिलता है, इसलिए बोलते हैं दाने दाने पे लेकर खाने वाले का नाम। और इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ZNS NIST जो है वो आपको आपके पैरों पे खड़ा करता है, आपका एक फ्यूचर जो है वो सिक्योर करता है। आपको इस इंस्टीट्यूट के बाद, यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद, आपको कहीं पर भी झोली हाथ में उठाकर लेके जाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट जब आप यहां से होनहार बनकर निकलते हैं तो फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो हैं वो आपको लेकर जाते हैं और अल्टीमेटली आप खुद का एक सैलून जो है वो भी ओपन कर सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो प्यारे प्यारे चेहरे हैं सारे यहां पर दिखा दीजिए। ये सारे वो वाले सैलून से नहीं आए जो कि आप यूजली देखते हैं इंस्टाग्राम रील्स पे। ये सारे आपको साथ में जो ब्लैक ड्रेस में इनके मास्टर्स दिख रहे हैं ना, इन सब ने इन सब प्यारे चेहरों को तैयार किया है। तो आप में से NIST का सबसे पुराना स्टूडेंट यहां पर कौन है बता दीजिए। क्या नाम है आपका? शिखा लूथरा। कितना टाइम हो गया आपको यहां पर? 9 months। 9 months। तो आपने कौन सी मॉडल रेडी की है? दिस वन। क्या नाम है आपका? विशाली राजपूत। विशाली राजपूत। तो राजपूत लड़के के लिए नहीं 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 आगे ना है? ओ, राजपूत होंदे सुर में, क्या बात है भाई। ओके सबके चेहरे यहाँ पर प्रेटी लग रहे हैं, आपने वीडियो में देख लिया होगा, नहीं भी देखा होगा तो रिवाइंड करें एक बार फिर से देख लेना। मैम आप बोल रहे सबसे एक्टिव थे, आपने कौन सी मॉडल रेडी की है? मैंने इनको रेडी की है। आपका क्या नाम है? रिया वर्मा। रिया वर्मा। कुदनकर कोटली। मीरा साहब। ओके तो आप में से जो जो यहाँ पर, मैं चाहूंगा कि जो ब्लैक ड्रेस वाले हैं ना टीचर्स, वो सामने यहाँ पर आ जाइए। एंड टू एवरीबॉडी आउट देयर, मैं चाहता हूँ इनके लिए जोरदार तालियां करिए आप, बिकॉज यही लोग हैं जो आपको सुंदर बनाते हैं। आपकी जब शादी होने वाली है, यही सब जो टीचर्स हैं आपको खूबसूरत बनाने वाले हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप सब लोग, ठीक है, NIST के बारे में? कैसा लगा आपको यहाँ पर कोर्स और कितना टाइम हो गया आपको कोर्स सीखते हुए? 10 months। सबसे कम किसको हुआ है ये बताओ? 1.5 month आपको हुआ है? आपको one and a half month। तो आप दोनों कौन सी ब्राइड्स रेडी किए हैं वो दिखा दीजिए। ये देखिए भाई साहब, जीता जागता सबूत, 1.5 महीना हुआ अभी तैयार किए हुए। क्या नाम आपका? विदुषी। और मैम आपकी ब्राइड क्या नाम आपका? तमन्ना लंगे। ओके तो जोरदार तालियां इन सब प्यारे टीचर्स के लिए। एंड आप लोग जो मॉडल्स हैं, आप मॉडल्स प्लीज सामने थोड़े आ जाइए। मॉडल्स बेचारी थकी दिया, छोले भटूरे को ना खा दे सुनाओ, भूख किसी लगी थी? भूख किस किस को मॉडल लगी है जल्दी बताओ, हैं? इतना मेकअप ठूसने के बाद कहाँ पर भूख लगती है, हैं? अब मुझे बताओ, बोलो आप सच में खूबसूरत है यहाँ पर, आपको खूबसूरत बनाया गया है? मतलब NIST ने कुछ नहीं किया आप लोगों के साथ, आप लोग पहले से खूबसूरत है? और ज्यादा खूबसूरत बना दिया। और ज्यादा खूबसूरत जो है बना दिया। ये मैडम बड़ी तेज है भाई, ये मैडम बहुत ज्यादा तेज है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भाई उस बंदे की यहाँ पर तारीफ होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भाई काश मैं उस बंदे की जगह ले पाता। कहाँ पर है वो होनहार विद्वान? आ जाओ मेरे भाई, आप ही को बोल रहा हूँ, आ जाओ। बैलेंसियागा राजकुमार फिल्म आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो इन राजकुमार को देख लीजिए। भैया सबसे पहले मुझे बताओ नाम क्या आपका? विशाल कुमार। विशाल कुमार कार गुद्दन चट्ठे वाले से। डोगरी आंदी कमी आती। कोई बात नहीं, मुझे बताओ ऐसा क्या करना पड़ता है जो इनके बीच आना पड़ता है अकेले बंदे ने, है? कौन से कर्म किए थे ऐसे? किन्ने मंगलवार वो पानी चाढ़ना पौंदा, सारा किश करना पौंदा, किन्ने सोमवार, इनका सब पता है, चाढ़े दे भी लगा कितने सो, आप क्या किया था ऐसा बताओ? सर कुछ नहीं किया। कुछ नहीं कि, ओके तो किसने रिकमेंड किया था कि आपको NIST में जाना चाहिए? पेरेंट्स ने रिकमेंड किया। तो अंकल आंटी तो वीडियो दिखा दे, देखो तो रिकमेंड कितना कल्ला मुड़ा दंदा था बाकी सारी कुड़ियाँ। ओके तो कैसा लगा इसी भी शर्मा दिया तो कैसा लगा NIST इंस्टीट्यूट में अभी सीख के यहाँ पर? सर अच्छा लगा। ओके तो आपका शौक था, पैशन है कि भाई इसी इंडस्ट्री में आगे जाना है? हाँ सर। तो कितना टाइम का कोर्स आपने यहाँ पर अडॉप्ट किया? सर 10 month हो गए हैं।
10 मंथ्स हो गए हैं ओके, तो इसके बाद अपने किसी इंस्टीट्यूट में लगो या फिर खुद का एक सैलून जो है वो आपने इसके बाद चलाना है? सर पहले थोड़ी देखूंगा कहीं पे लग के थोड़ी और नॉलेज लूंगा फिर उसके बाद अपना खोलने का। ओके सो इस शख्स के लिए जोरदार तालियां, बिकॉज चेंज इज ए लॉ ऑफ नेचर और हर एक उस चेंज को हमें वेलकम करना चाहिए जहां पर इंसान एक लीक से उठ के आता है, आउट ऑफ द बॉक्स अगर चीजें ऐसी करता है। सर आप ऐसे फॉलोअर किसके सबसे ज्यादा है ये बताओ? 52K, जिसमें से 40K फेक। नहीं नहीं ठीक है, कुड़ी कुड़ी नाराज हुई, अपनी बातें निकल रही हैं अपनी बातें। मेरे तो बुरे फेक हैं। अच्छा ओके, कितने हैं? 52K। बता दे एक बार नाम। शिल्पा सलन, उधमपुर दी कुड़ी। रियली मैं बताऊं एक चीज कि मैं पहली बार ऐसे इवेंट में आया हूं, यूजुअली आई डोंट गो टू सच इवेंट्स, बट यहां पर जो मेहनत देख कर हमें लगता है, जो आप यहां पर देखिए आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, मैक्स टू मैक्स आई थिंक 3 घंटे में आप लोग रेडी होंगे। कितने घंटे लगते हैं ऐसे रेडी करने के लिए? हाँ जी, दो घंटे ज्यादा से ज्यादा, 2 घंटे यहाँ पे, 2.5 घंटे, 1-1.5 घंटे में। तो मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ जो बड़े बड़े सैलून खोल कर बैठे हैं, आप 2 दिन में किस बात के पैसे लेते हो? ये तो 1-1.5 घंटे में खत्म कर दिया उन्होंने, और चेहरों पे निखार देखी आप, एंड सारा क्रेडिट जो है वो जाता है NST को। आपसे कहूँगा अगर आप भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आप भी इन्हीं लोगों की तरह अपने पैरों पे खड़े रहें, तो फिर क्या करना पड़ता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और NST के जो करता धरता है, फिलहाल अब हम उनके पास जाने वाले हैं, बिकॉज इससे पहले इरफान चौधरी ने एक इमोशनल स्टेटमेंट दी थी, ये सारी कुड़ियाँ जितनी भी हैं ये सब यहाँ पर रो रही थी, बिकॉज जब भी आप ऐसे इंस्टीट्यूट्स में आते हैं तो फिर एक फैमिली बॉन्ड जो है वो बन जाता है, जो 2 अननोन लोग हैं वो बाद में एक परिवार की तरह बन जाते हैं। और शायद इसी वजह से मैम को भी, मैम की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैम क्या नाम आपका? नुसरत। ओके तो सबसे पहले जो ये मॉडल्स हैं एंड जो आपके यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे आप? इन्होंने बहुत बहुत अच्छा काम किया है, प्रेजेंट किया, एंड थैंक यू सो मच मॉडल्स को भी जिन्होंने इन स्टूडेंट्स का काम को प्रेजेंट किया अच्छे से, एंड देन स्टूडेंट्स को जो इन्होंने सीखा अच्छे से आज इम्प्लीमेंट किया। मुझे कोई बता रहा कि इस साल का आई थिंक 1 साल में ये आपका 4th इवेंट है इस तरह का, कितने इवेंट आप 1 साल में करवा लेते हैं? ऐसी देखिए बैच वाइज होता है, कितने हमारे बैचेस निकल रहे, पास आउट हो रहे, तो हमारे हर 2 मंथ के बाद या मंथ के बाद होते रहते हैं। अभी तो ये हमारा 4th है, होपफुली काफी तक जाए। okay. तो NST इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो फिर कितने मंथ्स के आपके कोर्सेज होते हैं? 3 मंथ्स के या फिर इससे ऊपर भी होते हैं? हाँ जी, हमारे पास इसमें शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, लॉन्ग टर्म कोर्सेज भी हैं, डिपेंड करता है स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट। कुछ स्टूडेंट्स फ्रीलेंसिंग करना चाहते हैं, लाइक एज अ मेकअप आर्टिस्ट अपना स्टार्टअप नहीं, जस्ट ओनली फ्रीलेंसिंग, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म 3 मंथ कोर्स बेटर रहता है। 1 ईयर फुल कंप्लीट है, 6 मंथ है जिनको सिर्फ एज अ ब्यूटिशनिस्ट करना होता है, देन कुछ को फुल कंप्लीट अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना होता है, अपना सैलून स्टार्ट करना, तो बीइंग अ ऑनर उनको हर चीज़ की नॉलेज हो, तो उनके लिए वो लॉन्ग टर्म कोर्स बेटर है। तो फिर हम उसी की रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट का क्या चॉइस है, उसका क्या एम है करना, उसके अकॉर्डिंग हम उनको बताते हैं आप ये इसमें से कोई भी अपॉर्ट। आजकल हम देख रहे हैं कि फ्रीलांसिंग मार्केट जो है, अगर आप घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, बिकॉज आई थिंक फ्रीलांसिंग में आजकल लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट है, जब आपका सीजन स्टार्ट होता है दैट टाइम आप अर्न करिए, देन उसके बाद आप अपना पार्ट टाइम कुछ और भी करिए, स्टडीज़ अपनी कंटिन्यू करिए, अपना कुछ भी साथ साथ में। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो स्टडीज़ भी कर रहे हैं या कहीं और जॉब, कोई और जॉब भी कर रहे हैं किसी और सेक्टर में, एंड देन साथ में एज अ फ्रीलांसिंग भी काम। आपको यहाँ एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हो गया होगा जी, तो एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ ऑन कैमरा, ठीक है, मेकअप इंडस्ट्री का ये जो है, इज़ इट अ प्रॉफिटेबल बिजनेस? यस, ये प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल तब है जब आप एक ईमानदारी से काम करते हो, अच्छे से, हाँ, हार्ड वर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ आप लोग काम करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। देखिए कितना प्यार है इन सब लड़कियों में हमारे प्रति, अभी सारी जोर से बोलेंगी वी लव RJ राहुल, वी लव, ये थोड़े सिखाया था, वी ऑल लव, वी ऑल लव नुसरत, वी ऑल लव शबीर, We all love RJ Rahul. अबे बहुत मेरे आस्तीन ना कितनी दिन परावा, कोई चक्कर नहीं भाई, NST की प्रमोशन करने के लिए मेरे को बोल नहीं सकते। सो एनीवेज थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और एक बार सब सारे कैमरा के देख के बाय बाय बोल दो यार। सो ZNS NIST के MD मिस्टर शबीर इस वक्त मेरे साथ हैं, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बिकॉज मैम अभी बता रहे थे कि आपका 4th कोर्स जो है वो आज फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हुआ है, तो 1 साल में मैम बता रहे कि ऑलमोस्ट 4 कोर्सेज आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो डू वी हैव एनी रेगुलरिटी कि हमें भाई इतने ही स्टूडेंट्स करने हैं, 30, 40, 50, कोई लिमिट, कोई कैप सेट होती है इस पर? एक्चुअली हमारे पास क्या रहता है, रेगुलर कोर्सेज रहते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कोर्सेज रहते हैं। मंथ ऑफ द स्टार्ट जो है हमारे कोर्सेज शुरू हो जाते हैं एवरी मंथ। हमारी जम्मू में 3 ब्रांचेज है, गांधीनगर, बड़ी ब्राह्मण, उधमपुर, और अभी ये साल का हमारा चैप्टर 4 था 2024 का, ब्राइडल शूट। अब हमारा मोटिव ये रहता है इस काइंड ऑफ इवेंट करवाने का कि हमारे बच्चों को
एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिले अपार्ट फ्रॉम द सिलेबस. जब वो बच्चा सिलेबस में तो हमने सिखाना है उनको, वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनिंग देनी है, अच्छे स्किल्स देने हैं, और उन स्किल्स को प्रेजेंट करने के लिए इस तरीके के ब्राइडल शूट्स होते हैं, सो दैट कि उनके पोर्टफोलियोज बन सकें. अच्छे पोर्टफोलियो होंगे तो अच्छे से वो मार्केट में वर्क कर सकते हैं. कुछ डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स होते हैं सो दैट कि बच्चा वो इवेंट में शॉर्ट नोटिस पे किस तरीके से आपने मेकअप रेडी करना है, काफ़ी सारे स्टेप्स रहते हैं. तो वो चीज़ें बच्चे को सीखने को मिलती हैं वो जब वो इस तरीके के इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है. और इसमें काफ़ी सारी मॉडल्स भी रहती हैं, मोर देन 35 मॉडल्स एंड 35 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस इवेंट में थे आज, जिसमें 35 स्टूडेंट्स की हमारी सर्टिफिकेशन हुई है आज. और इससे पहले भी हमारे बैचेस जो हैं वो पास आउट हुए हैं, तो अभी होपफुली हो सकता है नेक्स्ट चैप्टर के साथ भी हम आएंगे. ओके, तो आपने इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़्यादा करवा लिए हैं, तो हर एक एक एरिया के लोग आपके पास यहाँ पर आते हैं. तो इफ आई आस्क यू कि कौन से एरिया के ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं? देखिए हमारे पास तो ऐसे ऑल्दो ऑलमोस्ट हर एरिया के स्टूडेंट्स होते हैं. वी स्टार्ट फ्रॉम द कठुआ टू रजौरी एंड पुंछ, एंड देन वी स्टार्ट फ्रॉम जम्मू टू कश्मीर. हर एक एरिया हमने टच किया, फार फ्लंग एरिया के नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं. मैं आपको काफ़ी सारे एग्जांपल्स बता सकता हूँ, डोडा में, भद्रवाह में, कठुआ में, और भी काफ़ी सारी सिटीज़ में जहाँ हमारे बच्चों ने अपने सेटअप्स तक स्टार्ट किए हुए हैं, और वो आगे भी कई लोगों को जो है वो एम्प्लॉय रख के उनको भी जो है वो सिखा रहे हैं और उनको भी काम करने का मौका दे रहे हैं. तो इस तरीके के ZNS वर्क करता है कि वो सेल्फ डिपेंडेंट बच्चे को बनाता है. और इसमें नंबर्स ऑफ फीमेल्स जो है वो हमारी एकेडमी से कोर्स करके जा चुके हैं और नंबर्स ऑफ फीमेल्स जो है वो सीख रहे हैं. और एज इज जस्ट अ नंबर व्हेन यू आर इन अ ZNS NIST, एंड वी बिलीव कि अगर आप में थोड़ी सी भी क्वालिटी आप सोचते हैं कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, वी आर हेयर. आप हम आपके साथ आज भी हैं, आपके कोर्स ख़त्म होने के बाद भी हैं आपके साथ, सो दैट कि जब भी कोई न्यू टेक्निक मार्केट में आती है. अभी हमारे पास ऐसा भी होता है कि कोई 5 साल पहले पुराना स्टूडेंट सीख के भी गया होगा, वो 5 साल के बाद फिर से आता, अगर कोई हम न्यू कोर्स लॉन्च करते हैं जो मार्केट के अकॉर्डिंगली ट्रेंड में है, तो वो बच्चे भी हमारे पास आके सीखते हैं. सो वी जस्ट बिलीव कि एक रिलेशन बिल्टअप हो, बच्चा अच्छे से सीखे, और जम्मू में जो है वो अच्छे से जम्मू कश्मीर की जो है हमारी इकॉनमी में है उसमें भी अपना एक योगदान दे सके. सो आजकल हम देख रहे हैं पीपल आर मोर इनटू यू नो स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक व्लॉग्स देखना, तो क्या कुछ ऐसी क्वालिटीज किसी बच्चे में हो सकती हैं, ही और शी एनीबॉडी जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि ये इंसान जो है ये आने वाले टाइम में मेकअप आर्टिस्ट बन सकता है? सर सबसे बड़ी चीज़ होती है सीखने की लगन होनी चाहिए. आज की डेट में अगर आप कहीं पे किसी भी मतलब सीखने के लिए जाते हैं, आप ना एक दो तीन चीज़ें रहती हैं, एक तो पेशेंस होने चाहिए और आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए और डिसिप्लिन होना चाहिए. जब आप में डेडिकेशन होती है तो आप उस चीज़ में अपना 100% देते हो. और अकेडमी का क्या रोल होता है, हम बूस्टअप करते हैं. आज हम यहाँ खड़े हैं इस इवेंट में, ये बूस्टअप काइंड ऑफ इवेंट्स हैं. यहाँ पर बच्चा आएगा, स्टेज पर जाएगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा, अपने मेकअप को एक्सप्लेन करेगा, अगर कहीं मिस्टेक होगी उसको हम कवरअप करेंगे, उसको बताएंगे कि ये चीज़ ठीक कर सकते, सो दैट कि फ्यूचर में ना हो. तो ये लर्निंग प्रोसेस के साथ उसका फ्यूचर सेटअप है, और दिस इज काइंड ऑफ इवेंट आई थिंक गोइंग टू हेल्प देम टू रीच देयर गोल्स. ओके, एंड आपके ब्रांड की बात करें ZNS NIST के बारे में, तो कितना पुराना है ब्रांड? सर ZNS NIST को मोर देन जो है वो 5 to 7 years हो चुके हैं मार्केट में. और हमारी जम्मू में 3 ब्रांचेज है, गांधीनगर, बड़ी ब्राह्मण और उधमपुर. और राइट नाउ उधमपुर में जो है वो न्यूली हमारा जो है वो 3 months जो हो गए हैं अकेडमी के, जिसमें भी नंबर्स ऑफ कोर्सेज और डिफरेंट इवन ऑफर्स चल रहे हैं. अगर आपके जो माध्यम से लोग हमें देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो डेफिनेटली विजिट करें और वहाँ पर भी अवेल कर सको. बाकी जो पैकेजेस ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं है पैकेजेस? सर बहुत पॉकेट फ्रेंडली है और काफ़ी इजी इंस्टॉलमेंट में जो है आप पे कर सकते हैं. और बाकी रेस्ट ऑफ द डिटेल्स आई थिंक दैट शुड बी क्लियर फ्रॉम द आर एकेडमी, यू कैन विजिट इट. गॉगल को पहन लेते हो हमें देखे? नहीं, वो एक्चुअली डार्क सर्कल्स हैं इसलिए वो उसको छुपाना पड़ता है. ओके, तो सबसे पहले तहे दिल से बधाइयां जोक सपाट इतना अच्छा इवेंट करवाने के लिए. एंड वी ऑल नो के NIST के सारे इवेंट जो हैं वो आप ही हैंडल करते हैं एंड दे हैव ऑलवेज बीन डन वेरी ब्यूटीफुली, तो इस इवेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखिए ये इवेंट हम लोग हर जब भी बैच ख़त्म होता है तो हम लोग इवेंट करते हैं. द रीज़न बिहाइंड इज़ कि जो मोटिव है इसका, जितने भी बच्चे हैं एक तो उनको प्लेटफॉर्म मिले, वो इंडिपेंडेंटली एक मॉडल पे काम कर सकें, और कहीं ना कहीं उनको मतलब एक मटेरियल मिले अपने पेजेस के लिए, क्योंकि इन फ्यूचर उन्होंने काम करना है. तो मेन मोटिव वही है, क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो पास आउट हो चुके हैं, देन फाइनली हम लोग ये इवेंट करते हैं सर्टिफिकेशन डे. तो प्रोफेशनल मॉडल्स के साथ फिर मेकअप, फिर मीडिया कवरेज, तो कहीं ना कहीं उनकी भी फेस वैल्यू बनती है, तो रीज़न यही है इसको करवाने का. तो आपको तो कई साल हो चुके हैं इसके साथ जुड़े हुए. यस, इट हैज बीन मोर देन 6-7 years कंटीन्यूअसली. 6-7 years कंटीन्यूअसली. ओके, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है वर्किंग विद NIST? हाँ नहीं, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस है. देखो पैसा कमाना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है ऑलवेज, अच्छे लोगों के साथ काम करना इज़ मोर इम्पोर्टेंट. इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि
ये जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो करते हैं, और जब मैं इवेंट डिज़ाइन करता हूँ तो इंटरफेयर नहीं करते। उससे क्या होता है, क्योंकि मेरा फ्रीडम मिलती है, काम फ्रीडम मिलता है। और मेरा ये मानना है, मैं हमेशा इवेंट क्लाइंट के लिए कभी नहीं करता, मैं अपने लिए करता हूँ। खुद मुझे खुद को अपलिफ्ट करना है, तो वो एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्सपीरियंस जो है जो करता हूँ मैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। तो बस नेक्स्ट मंथ हम लोग जो अनाउंस कर रहे हैं अपना, जो हम लोग का मेजर इवेंट है, तो अच्छा, एक और इवेंट आने वाला नेक्स्ट का। हाँ, अभी जो मेजर इवेंट हम लोगों का जो साल का रहता है हमारा ZNS फैशन फ्यूजन, तो वो आने वाला है। तो कुछ धमाका करेंगे, उसका डिज़ाइन ऑलरेडी बन रहा है, तो डेफिनेटली यू विल ऑल्सो बी द पार्ट, तो कुछ तो धमाका करेंगे। चलो बॉस, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी ये जो ये ना व्लॉग के एंड में चीज़ें डलेंगे, बिकॉज सीरियस काइंड ऑफ इंटरव्यूज बहुत सारे हो गए। तो अभी हमें मिस्टर इरफान ने भी बताया कि एक और इवेंट आने वाला है। तो निस्ट सा पहली बार मैं एसोसिएटेड हुआ, लेकिन आई बीन लुकिंग एट द इवेंट्स सिंस क्वाइट अ लॉन्ग, बहुत देर से मैं देख रहा हूँ। तो ऐसी क्या वजह है कि निस्ट इवेंट पे इवेंट कराते जा रहा है, और इतने बड़े बड़े इवेंट हैं, छोटे इवेंट नहीं हो रहे हैं? बिकॉज आपका जो मॉडलिंग शो होता है वो तो काफ़ी बड़ा लेवल पे होता है, तो क्या वजह है इसके पीछे, क्या रीज़न है? सर, सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है कि हमारे स्टूडेंट्स को जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, और जो ये आप इवेंट्स देख रहे हैं ये सब उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइज होते हैं। जब एक बच्चा ZNS NIST का पार्ट बनता है, उसकी ऑल अराउंड जो है डेवलपमेंट है, चाहे उसके स्किल्स को लेके, वो हम पे निर्भर रहता है। तो हम कोशिश करते हैं उनको वन ऑफ द फाइनेस्ट जो है वो प्लेटफॉर्म देने के लिए। बाकी इवेंट्स की बात करें तो इवेंट अकेले पॉसिबल नहीं हो पाता है, यू नीड सम गुड टीम, और जब वो टीम हार्डवर्क करती है, जैसे इरफान चौधरी जी फ्रॉम द पास्ट 7 ईयर्स, वो एक शो हमेशा जो है शो के डायरेक्टर रहते हैं, और भी हमारे साथ डिफरेंट जो है वो लोग एसोशिएट करते हैं, वो हम ये चाहते हैं कि हम एक अच्छा इवेंट जो है प्रेजेंट कर सकें जम्मू में, जो हमारे मॉडल्स हैं उनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके। बिकॉज जब एक फैशन शो होता है या अदर इवेंट होता है, उसमें स्टूडेंट के अलावा भी बड़े सारे लोग पार्टिसिपेट। एक्जैक्टली, मैं यही पूछने वाला था कि आपका जो नेक्स्ट ग्रैंड इवेंट आने वाला है एज टोल्ड बाय इरफान चौधरी, तो फिर उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, या फिर आपके जो यहाँ पर एकेडमी के स्टूडेंट्स होंगे वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं? देखिए, उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेंट्स में बात करते हैं मेकअप आर्टिस्ट की और डिजाइनर्स की, बिकॉज फैशन, यू आर टॉकिंग अबाउट फैशन शोज, तो इज जस्ट टॉकिंग अबाउट योर मेकअप आर्टिस्ट एंड डिजाइनर्स। सो वो अकेडमी के ही हो रहेंगे, बाकी मॉडल्स एंड अदर थिंग्स जो होती हैं वो अकेडमी के बाहर रहती हैं। बाकी कुछ चीज़ें जो है वो होपफुली हम टाइम आने पर आपको ब्रीफ करेंगे उस चीज़ के बारे में। टिल तब तक एक सर टॉप सीक्रेट, ZNS फैशन फ्यूजन होगा, बट वो कैसे होगा, क्या डिजाइन होगा, उस चीज के बारे में जल्द टीजर जो है वो मिल चुका है। बाकी हाँ। पिक्चर अभी देखना, बाकी पिक्चर तभी आएगी जब ये रोल हो जाएगा। सोना ते मैं तू दूर गया है, होके सजन मजबूर गया है, अखियों दे वास्ते खुशियां हो। खूबसूरती की बात करते हैं तो आंखों का जिक्र हमेशा ही होता है। सजना नु दूरों दूरों साड़ी ते सारी सुनदा है, पर अपनी पीड़ नहीं। And celebrate.